देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। कोरोना संक्रमण के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश से केरल तक देश के 28 जिलों को संक्रमण बढ़ने की वजह से रेड जोन घोषित किया है। इनमें हरियाणा और महाराष्ट्र के वे 4 जिले भी शामिल हैं जहां साप्ताहिक संक्रमण 5% से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। देश के कई राज्यों में गर्मी से बुरा हाल है। ऊपर से गर्म हवा लोगों को काफी परेशान भी कर रही है, लेकिन अब इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून से मध्य और उत्तर भारत में मानसून आने के आसार हैं और बारिश शुरू होते ही इस गर्मी से राहत मिलेगी। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर्व स्नान पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा दशहरा स्नान बृहस्पतिवार और निर्जला एकादशी 10 जून को है। स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां चाक चौबंद करने का दावा किया है। हर की पैड़ी पर कड़ी चौकसी रहेगी। राजधानी में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लू के थपेड़ों के साथ बुधवार को दिन का तापमान तकरीबन 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो बीते 8 जून को बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा रहा। इससे पहले साल 2014 में 8 जून को पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। वे आज शाम को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में भारतीय प्रबंध संस्था जम्मू के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर 214 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। ईरानी अधिकारियों ने सोमवार 6 जून को तड़के जाहेदान स्थित दुजाब केंद्रीय जेल में एक बलोच महिला समेत 12 अन्य कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी दी। ये मामला नार्वे स्थित ईरान मानवाधिकार समूह ने उजागर किया। इन पर हत्या और नशीली दवाओं से संबंधित आरोप थे। रूसी सेना पूरी ताकत से दोनबास इलाके पर कब्जे में जुटी है। यूक्रेन युद्ध के 105वें दिन रूसी रक्षा मंत्रालय के एक निर्णायक सफलता का दावा किया है। रूस के मुताबिक उसने पूर्वी यूक्रेन में कब्जा दोनबास क्षेत्र को क्रीमिया की जमीनी सीमा से एक लैंड कॉरिडोर के जरिए जोड़ दिया है। इस बीच सेवेरोदोनेत्स्क के गवर्नर ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोदोनेत्स्क शहर का अधिकांश हिस्सा रूस के नियंत्रण में आ चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में दवा नियामक से सर्वाइकल कैंसर रोधी वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए मंजूरी मांगी है। भारत की पहली क्वाट्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेश में ही विकसित की गई है। कंपनी ने इसे सर्वैक ब्रांड का नाम दिया है। चीन को झटका देते हुए भारत ने वियतनाम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगी। दोनों देशों की सेनाएं इन रक्षा बेस का इस्तेमाल मरम्मत और आपूर्ति की जाने वाली सामग्री को फिर से भरने के लिए कर सकेंगी। भूकंप के दौरान मलबे में फंसे लोगों को निकालना कभी कभी रेस्क्यू टीम के लिए भी असंभव होता है, लेकिन अब इस काम को संभव करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों की स्पेशल टीम तैयार की है, जो आपदा के दौरान मलबे में घुसकर दबे लोगों की लोकेशन पता करेंगे और उनका वीडियो बनाकर टीम तक पहुंचाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।